बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास का तीसरा लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारे इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये वो जो हम लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस वाला टॉपिक, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो कंपाउंड्स एंड मिक्सचर हमारा आज का टॉपिक होगा। कंपाउंड पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम मिक्सचर देखेंगे, मिक्सचर की टाइप्स क्या हैं, और आखिर में फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन करें इन फिक्स रेशियो में मास उस वक्त बनते हैं, यानी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करें इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर दो बातें आपने याद रखनी है, एक है केमिकली कंबाइंड और दूसरा है फिक्स्ड रेशियो। अब ये केमिकली कंबाइंड जब करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होके इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास हमारे पास जब कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाती हैं, और अब वो जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन ये होगी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड, और जब कंपाउंड बनेगा तो आपके पास क्या होगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर सकेंगे। नाउ ये फिक्स रेशियो बाय मास का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वन मोल ऑफ कार्बन वन मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करके CO2 बना लेते हैं। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का हो जाएगा 32। अब ये दोनों जब आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और हम इनके दरमियान रेशियो निकालना चाहते हैं, देखें फोर्स इसको डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3:8 इनके मास की रेशियो आती है, इसमें ये कंबाइन करके CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 12 ग्राम कार्बन का मास है, 32 O2 का मास है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं और हम इनकी रेशियो निकालना चाहते हैं तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया सिंपल नंबर लाने के लिए, तो 3:8 में ये कंबाइन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कंपाउंड्स के बारे में, पहली बात देखी है कि ये केमिकली कंबाइन हो, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो उस वक्त आपके पास कंपाउंड बनता है। फिक्स रेशियो होना लाजमी नहीं है और केमिकली कंबिनेशन भी लाजमी है। जब कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड की जो कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टीज खो बैठेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज कंपाउंड में होंगी अब वो शो करेंगे, यानी उनकी अपनी प्रॉपर्टीज अब नहीं रहेंगी, और जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। नाउ हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के हैं, एक हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जो आयन्स से मिलकर बने हों, पहली बात पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के कॉम्बिनेशन से बने हों, इन्हें हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड का। इन आयंस को जो चीज होल्ड कर रही होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है,
और आप 8th क्लास में पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयंस से मिलकर बने होते हैं, और इन आयंस को कौन इकट्ठा कर होता है, इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान इनको जो चीज़ कंबाइन करवा रही होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आइंस एक पार्टिकुलर तरतीब में अरेंज हुए होते हैं। मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसके सामने नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आइंस जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक तरतीब से। ये नहीं कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर रिपल्शन जुड़ी होती है। और चौथी बात इनके बारे में कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। अब देखिए पूरा सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम NaCl लिख देते हैं, तो ये इसका फार्मूला यूनिट होता है। बाकी फार्मूला यूनिट आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयंस से मिलकर बने होते हैं, इनमें जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है, इनमें जो आयंस होते हैं वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, और चौथी बात दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम्स से मिलकर बने होते हैं, इन एटम्स को जो चीज जोड़े रखती है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड जो है इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन का बाहमी इश्तराक होता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। इनका दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूल, इनका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल के मास को हम नाम देते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो ये बातें आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में देख ली है, तो इस तरीके से आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आयनिक कंपाउंड्स में है दैट आर मेड अप ऑफ आयंस, आयनिक बाइंडिंग फोर्स जो है वो आयनिक बॉन्ड है, दे एग्जिस्ट इन थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, द बाइंडिंग फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड, देयर बेसिक मॉलिक्यूल, देयर बेसिक रिप्रेजेंटेशन इज अ मॉलिक्यूल एंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये कंपाउंड का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। देखिए स्टूडेंट्स मिक्सचर क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, वहां पर हमने कंपाउंड में कहा था जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, यहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिजिकली मिक्स अप हो विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। टोटली उसकी आपस में डेफिनेशन है, वहां पर था केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां पर है फिजिकल कॉम्बिनेशन, वहां पर था फिक्स रेशियो, यहां पर है नो फिक्स रेशियो, ठीक है। तो जबकि टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली मिक्सअप हो, ठीक है, फिजिकली मिक्सअप हो विदाउट एनी फिक्स रेशियो, बगैर किसी फिक्स रेशियो के, तो वो चीज कहलाती है मिक्सचर। और याद रखिएगा मिक्सचर जो होता है इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी चीज की इम्प्योर फॉर्म होती है, यानी खालिस नहीं होती, ठीक है, इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास जो मिक्सचर है ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक हमारे पास होता है
सेम जेरेमी फेज जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो से ज्यादा कंपाउंड एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसे या हम यू कहेंगे जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी उसे हम नाम देंगे किसका, होमोजीनियस का। और ऐसे मिक्सचर्स जिनकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस नहीं होती उन्हें हम नाम देते हैं हेटरोजीनियस का। फॉर एग्जांपल एयर जो है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नोबल गैसेस गैस है, सारी सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, एयर की कंपोजिशन ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो गैसोलीन जिसे आप पेट्रोल कहते हैं ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है, और वो सारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती उन्हें हम कहते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉइल मिट्टी जो है, अब मिट्टी जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसके मिनरल्स पाए जाते हैं, कहीं पर आयरन के कंपाउंड ज्यादा होंगे, कहीं पर सोडियम के कंपाउंड, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे क्या कहीं पे कोई एक एलिमेंट अबंडेंट होगा कहीं पे कोई दूसरा एलिमेंट, क्योंकि इनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती। इसी तरह जो वुड है इसकी कंपोजिशन भी सेम नहीं रहती। तो मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, वो आपके पास कहलाते हैं होमोजीनियस, उनमें एयर और गैसोलीन इसकी एग्जांपल है। और ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना रहे उन्हें हम कहते हैं हेटरोजीनियस, और वो सॉइल और वुड इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, हमने कहा था जो कंपाउंड होता है वहां पर जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करते, लेकिन जो मिक्सचर होता है यहाँ पर जब फिजिकल मिक्सअप ऑफ द एलिमेंट्स ये कंपाउंड होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे होते हैं, और हम उन्हें सिंपल प्रोसेसेस के जरिए या सिंपल टेक्निक्स जो एनालिटिकल टेक्निक्स या जो सेपरेशन टेक्निक्स है उन्हें यूज करके एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। That is about the mixture. ये आपका मिक्सचर का टॉपिक था। अब आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हर साल या हर एक साल के बाद लाजमी पेपर में आ जाता है, और वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हम भी देखते हैं कि इसको हेडिंग बना लेते हैं, इधर हम कंपाउंड देखेंगे, इधर हम मिक्सचर देखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कंपाउंड इज जो है कंपाउंड जो है इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। पहली बात यहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि फिजिकल मिक्सअप होता है। कंपाउंड्स केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मिक्सचर फिजिकल मिक्सअप से बनते हैं। यहां पर फिक्स रेशियो बाय मास होती है, यहां पर नो फिक्स रेशियो, नो फिक्स रेशियो बाय मास। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होता है, आपका मिक्सचर मे भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा जो कंपाउंड है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से सिंपल तरीके से अलहदा नहीं कर सकते। यहां पर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मींस, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल मिक्सअप होता है तो इसलिए इनको सिंपली सिंपल मींस से सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मींस। उसके अलावा जी चार पॉइंट्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होता है इसका शार्प एंड
फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 801 आएगा ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाएगा, फिक्स है। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो रेंज की फॉर्म में होते हैं, यानी 100 से 120, तो ये इसके दरमियान किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, 5 पॉइंट्स मैंने बना दिए आपको, इनको आप इस तरह माइंड में रखने और जब आप पेपर में आए तो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज फॉर्म बाय द फिजिकल मिक्सर। Compound has fixed ratio of elements by mass. Mixture has no fixed ratio of elements or compounds by mass. Compounds are always homogeneous in nature. Mixtures may be homogeneous or heterogeneous. Components of compound cannot be separated. इसके components को नहीं अलग किया जा सकता। Components of mixture are separated by simple means. They can be separated by simple means. Compound has fixed and sharp and fixed melting point, or mixer have no sharp or sharp and fixed melting point. तो ये points आपने इसको देखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इसको अच्छे से देखें। कोई बात समझ नहीं आती तो जरूर उसको कमेंट में लिखें, आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा एक इशू आ रहा है, सर कैसे पढ़ा जाए? बेटा लेक्चर आपके सामने होगा, अपनी बुक खोल लें, पहले बुक से एक दफ़ा टॉपिक को रीड आउट कर लें, फिर लेक्चर सुन लें, जो पॉइंट्स डेफिनेशन के एक्सप्लेन किए गए हैं जैसे आपको वो आपकी बुक में मार्क हुए हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए होते हैं, आप उनको वहाँ से निशान लगा के अपने लिए नोट्स बना लें, याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।